नमस्कार, मेरा नाम राजेश, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग न्यूज़ 14। अभी की सबसे बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है। आतंकी हमला के मद्देनजर ट्रेनों में चलाए जा रहे जांच अभियान में आज मोतिहारी में शराब की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। आरपीएफ ने दिल्ली से आ रही सब क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में जाँच के दौरान भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है। शराब सबसे पीछे वाले बोगी में लावारिस हालत में पड़ी हुई थी। बंद बोरों में आरपीएफ ने 25 बोतल देसी और 80 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया है। ट्रेन में जांच के दौरान कोई भी इस बोरे का मालिक नहीं मिला। ट्रेन दिल्ली से मुजफ्फरपुर जा रही थी। आरपीएफ ने शराब को जब्त कर उत्पाद विभाग को सौंप दिया है। डीएससी मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश पर और आईपीएफ साहब के आदेशानुसार गाड़ी में सघन चेकिंग अभियान चलाकर सप्तक्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जब आई तो उसी में चेक करते हुए हम लोग पीछे की तरफ जा रहे थे तो उसी में पीछे ये लवारिस हम लोग को दिखाई पड़ा। तो हम लोग जब पूछताछ किए तो कोई इसको बताया नहीं कि मेरा है कि नहीं है। तब इसको देखने पे पता चला कि ये दारू है। फिर इसको जब लोग अपना फर्दर कार्रवाई करते हुए इसको कितना पीस है लगा? ये एक झूम नाम से है जो 85 पीस है और ये 8 PM जो है वो